नमस्कार, इंडिया एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में मंकी पॉक्स का संदिग्ध मरीज मिला था, जिससे समूचे स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया था। युवक हाल ही में एक यूरोपीय देश से भारत लौटा था। शुरुआती लक्षणों को देखने के बाद आशंका जताई जा रही थी कि यह भारत में मंकी पॉक्स का पहला मामला हो सकता है। युवक पश्चिमी मिदनापुर का रहने वाला है। उसके शरीर पर उभरे हुए दाने व दूसरे लक्षणों को देखने के बाद एक प्राइवेट हॉस्पिटल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया था। जांच के लिए मरीज के ब्लड सैंपल और दानों में भरे तरल पदार्थ के सैंपल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे भेजे गए थे। अब रिपोर्ट सामने आ गई है और रिपोर्ट के अनुसार युवक में मंकी पॉक्स का कोई प्रभाव नहीं मिला है। अब युवक का चिकन पॉक्स का इलाज किया जा रहा है और जल्द ही अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है। आपको बता दें कि जून माह में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक 5 साल की बच्ची में मंकी पॉक्स के लक्षण दिखे थे। हालांकि जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। अब तक 71 देशों में 9000 से अधिक मरीज सामने आ चुके हैं। इनमें से सबसे अधिक मरीज यूरोप में हैं। टॉप 10 देशों की बात करें तो उनमें ब्रिटेन, स्पेन, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, पुर्तगाल, कनाडा, नीदरलैंड, इटली और बेल्जियम शामिल हैं।